हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है नो और नॉट का यूज़ में गलती करते हुए। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखा है कि नो और नॉट का यूज़ प्रॉपरली नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग में कन्फ्यूजन है कि कैसे बोले अंग्रेजी, कहीं पे नो लगा देते हैं, कहीं पे नॉट लगा देते हैं, कहीं पे क्या कर देते हैं, कहीं पे कुछ कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने नो और नॉट में दिक्कत हुआ है। आज एक एक पर्दा खोला जाएगा, नो और नॉट का कहाँ यूज करते हैं, एक एक रूल आराम आराम से पढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा नो और नॉट में क्या अंतर है, नो और नॉट के यूज में क्या क्या सावधानियां बरतें हैं, नो और नॉट को कैसे उंगलियों पे नचाएं। तो नो और नॉट को आज तरीके से पढ़ते हैं और तरीके से देखते हैं कि आखिर इसका यूज कहां करते हैं। नो और नॉट, हमने दो वर्ड लिखा है। आप ऐसे कह सकते हो कि नो वर्सेस नॉट, यानी नो और नॉट में आज फाइटिंग कराते हैं कि इसका यूज कहां होता है। सबसे पहले नो का मतलब देखो बच्चे, ध्यान देना कि नो का मतलब आप नॉट एन कह सकते हो, नो का मतलब नॉट एनी कह सकते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। कहां प्रयोग करेंगे इसका हम लोग? सिंगुलर, ध्यान देना बात को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसी को हमने एसीएन कर दिया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कि नो कहाँ लगाना? नॉट एन के बदले में, यानी नॉट एन के बदले में नो लगा सकते हो। नो का हिंदी होता कोई नहीं, नो का मतलब नॉट एन। इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि हर जगह पे नॉट और नॉट नो नो का प्रयोग कर देना। जैसे मैंने कहा आई डू नॉट हैव ए पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, इसके बदले में अब यहां देखो डू नॉट है कि नहीं और ए है कि नहीं, तो इस डू नॉट और ए के बदले में, इसके बदले में और इसके बदले में आप नो का प्रयोग कर सकते हो। इन दोनों के बदले में आप नो लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला आई हैव नो पेन, अब देख रहे हो आप कि आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है, तो आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। तो इस तरह से आप, यानी कि नो का मतलब होता है नॉट एन, नो का मतलब होता है नॉट एनी, ये यूज करना आपको आसान लगेगा। अगर आप यहीं पे नो का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आई हैव नो पेन, अगर बोलें आई हैव नो ए पेन तो गलत हो जाएगा। इस नो में ए भी छुपा हुआ है, इस नो में नॉट भी छुपा हुआ है, तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे। ये चीज ध्यान रखेंगे आपके राइटिंग में, आपकी स्पीकिंग में, आपके पर्सनालिटी को इंप्रूव करेगा। राइट, सी बोला, सी डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला, तो सी डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला, तो देखो डज नॉट है कि नहीं और यहां ए एन है कि नहीं, तो इस डज नॉट और ए एन के बदले में हम क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे। सी हैज, सी हैज नो अम्ब्रेला, देखो शी हैज नो अम्ब्रेला। अब कहेगा सर यहां हैव क्यों नहीं आया, तो बेटा सी एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में वी फाइव लगता है, तो सी हैज नो अम्ब्रेला। क्लियर, यहां तक समझ में आपको आ रहा होगा। आगे देखो, सुधीर डज नॉट हैव एनी बुक, अब हमने कहा था ना कि नो का मतलब नॉट एन, तो नॉट एन दिखा दिया हमने, अब नो का मतलब नॉट एनी भी होता है। जैसे सुधीर डज नॉट हैव एनी बुक, राइट, तो हमने क्या कहा, सुधीर डज नॉट हैव एनी बुक, कह सकते हैं सुधीर हैज नो बुक, सुधीर के पास कोई, यानी एनी के बदले में भी आप नो का प्रयोग कर सकते हो जब आप नेगेटिव सेंटेंस दिखाना हो। यानी मैं कहना चाहता हूं कि नो का प्रयोग और नॉट के अंतर में क्या अंतर है, ये आपको समझना है। यहां पे हम लोग नो का प्रयोग नहीं कर सकते कि आई डू नॉट हैव नो पेन, या आई आई हैव, आप आई डू नॉट एनी पेन, तो यहां पे कहने का सेंस है कि डू नॉट हैव ए पेन के बदले में नो लगा सकते हो। अगर मैं यहां पे कह दूं आई हैव नॉट पेन, अगर मैं ऐसे बोल दूं आई हैव नॉट पेन, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। आई हैव नॉट ए पेन, ये भी गलत हो जाएगा। अगर सी हैज नो अम्ब्रेला, हम बोल दें सी हैज नॉट अम्ब्रेला, तो ये गलत हो जाएगा। बस मेरे हो, इस वीडियो के एक बार में दिक्कत हो दोबारा देखना, लेकिन समझना जरूर, क्योंकि नॉट एन एक नहीं 50 प्रयोग सिखाऊंगा, एक एक यूज हर तरीके से दिखाऊंगा। आप सीख जाओगे, दुनिया सीख जाएगा, क्योंकि आप सबको सिखाते हो। हमने कहा था ना एक एक यूज देखेंगे नो का और नॉट का, दोनों में तुलना भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, कहाँ यूज हो, नो कहाँ नॉट कहाँ। अभी नंबर किसका है? नो का। अभी देखते हैं, जैसे नो का प्रयोग करना अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो नो काम कर रहा है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन से पहले रहने का काम एडजेक्टिव का है।
किसका काम बच्चे? एडजेक्टिव का काम है। तो ये ध्यान देना कि नो एक एडजेक्टिव ही है, यहाँ पे नो का हिंदी होगा कोई नहीं। जैसे मैंने कहा आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, अगर मैं इसे कर दूं नॉट मनी तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव नो मनी, आई हैव नॉट मनी हो सकता, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव होने का काम करता है। तो नो एक एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। तो ये ध्यान देना नो और नॉट में यही अंतर है। नॉट का प्रयोग बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं होता। यहाँ पे नो, यहाँ पे देखो आई हैव नो मनी हैव काम करेगा मेन वर्ब का, और नो यहाँ पे एडजेक्टिव है, आई हैव नो मनी। देना नो वर्ड्स, वर्ड्स क्या है? नाउन। नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हर ब्यूटी, कोई शब्द यानी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो नो का मतलब क्या? कोई नहीं, यानी मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि उसकी सुंदरता को बखान कर सकें। नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हर ब्यूटी, तो यहाँ पे नो बोलो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं बाबू? हुआ ना। तो यहाँ पे नो वर्ड्स, यहाँ पे नॉट वर्ड्स नहीं हो सकता। अगर मैं बोल देता नो के बदले नॉट तो ये गलत हो जाता, ये समझना है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नाउन है, नाउन से पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव। जैसे बोलते हैं ना गुड बॉय, तो बॉय नाउन, गुड एडजेक्टिव, उस तरह से नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नाउन है और नो क्या है? एडजेक्टिव। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नाउन से पहले नो का प्रयोग हो सकता है। अगर नाउन तुम्हारा अनकाउंटेबल है और नेगेटिव सेंस दे रहा है तो नेगेटिव सेंस के लिए हम नो का प्रयोग कर सकते हैं। ये था हम लोगों का दूसरा यूज। तीसरा यूज क्या कहता है बच्चे? नो का प्रयोग आप कर सकते हो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले। डिग्री का नाम सुना है? पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले नो का प्रयोग कर सकते हो अगर तुम्हें नेगेटिव फ्रेम देना हो। अगर तुम्हें सेंटेंस को नेगेटिव जैसा ट्रीट करना हो तो आप कॉम्परेटिव से पहले नो का प्रयोग तुलना करने के लिए भी कर सकते हो। जैसे हमने कहा देयर इज नो प्रेटियर गर्ल, कोई प्रेटियर गर्ल नहीं है इन द क्लास में देन दीपा, यानी दीपा से अधिक सुंदर कोई लड़की नहीं है। नो प्रेटियर गर्ल, देयर इज नो, अगर मैं बोल दूं देयर इज नॉट प्रेटियर तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? नो का प्रयोग कहां करते बाबू? कॉम्परेटिव डिग्री से पहले। कॉम्परेटिव क्या है सर? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो वाइज है पॉजिटिव, वाइजर है कॉम्परेटिव और वाइजेस्ट है सुपरलेटिव। तो वाइजर के पहले डलेगा। प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटियस्ट, तो प्रेटियर के पहले डलेगा। देख रहे हो गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर के पहले नो लेगा। तो जब कॉम्परेटिव डिग्री होगा ना तो उस कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम नो का प्रयोग कर सकते हैं जब सेंटेंस को हमको नेगेटिव जैसा ट्रीट करना हो और दूसरे से बताना हो कि इससे बढ़िया कोई नहीं है, तो उस केस में हम नो का प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा देयर इज नो प्रेटियर गर्ल इन द क्लास देन दीपा, देख रहे हो। दूसरा कहा यू विल फाइंड, यू विल फाइंड, तुम खोज सकते हो नो बेटर डांसर, मतलब कोई डांसर नहीं इन द इन दिस टाउन, इस पूरे टाउन में देन नेहा, यानी नेहा से बढ़िया कोई डांसर तुम खोज नहीं सकते। यू विल फाइंड नो बेटर डांसर, डांसर इन दिस टाउन देन नेहा। तो यहाँ हमने क्या कहा? नो बेटर। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँ तो गलत हो जाएगा। सीख पा रहे हो आप लोग? इस तरह से मैं एक एक सिखा रहा हूँ। अगला इस क्या कहते हैं भाई? तो नो का प्रयोग आप देखो, मैं आपको एक एक चीज सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कॉपी कलम निकाल के सब लिख लो, ये सब काम आने वाला हमेशा है बच्चे, बस ध्यान नहीं देते हो, एक एक चीज काम आएगा। हमने कहा नो प्लस जेरंड, ये जेरंड क्या भाई? आईएनजी फॉर्म। किसी को मना करते हो ना कोई चीज, कहते हो भाई गाड़ी लगाना मना है, नो पार्किंग, नो प्लस जेरन, निषेध करो ना मना करने के लिए। नो पार्क क्या लिखता है? सीधा लिखा नो पार्किंग। तो नो का मतलब यहाँ पार्किंग नहीं है, निषेध किया, मना किया, है ना। आगे बोला हमने नो स्मोकिंग, भाई यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, नो स्मोकिंग जोन, नो स्मोकिंग जोन, यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, नो स्मोकिंग जोन है। नो ड्रिंकिंग, यहाँ नहीं पी सकते। नो गैम्बलिंग, यहां आप जो है जुआ नहीं खेल सकते। तो नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो पार्किंग सब है क्या? तो इसी को तो कहते हैं निषेध करना, मना करना। तो आप इसको मना कर सकते हो। अब देखें अगला यूज, सब लिख रहे हो। किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो नो का प्रयोग कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नो का प्रयोग कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नो का प्रयोग कर सकते हैं, स्पीकिंग में, राइटिंग में, कहीं भी। जैसे मैंने कहा आर यू रेडी, आर यू रेडी,
नो आई एम नॉट आई एम रेडी नो आई एम नॉट इट इज मंडे टुडे क्या आज मंडे है इट इज मंडे टुडे तो आपने क्या पूछा क्वेश्चन पूछा है ना ये आप कर सकते हो इज इट मंडे टुडे ऐसे कर सकते हो इज इट मंडे टुडे आंसर दिया नो इट इज नॉट तो आप क्वेश्चन दे सकते हो आर यू स्टूडेंट आप बोल सकते हो यस आई एम आर यू स्टूडेंट नो आई एम नॉट तो आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो आर यू अ टीचर आर यू अ स्टूडेंट आर यू अ डांसर तो उसका जवाब आप नो करके फिर आई एम नॉट कर सकते हो नो करके आरेंट कर सकते हो बोल सकते हो जैसे हमने कहा आर यू स्टूडेंट आप जवाब दो नो आई एम नॉट आर यू अ टीचर नो आई एम नॉट है ना तो इस तरह से आप आंसर देखते हो अब देखते हैं नॉट का यूज कहाँ करते हैं अभी नो देखा अब नॉट देखते हैं तब दोनों में तुलना करने में मजा आएगा क्या आखिर नॉट का यूज कहाँ करते हैं अब देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग नॉट का यूज अभी तक क्या सीखा नो का यूज अब क्या पढ़ेंगे नॉट का यूज तब आप कंपेयर करो क्या आखिर नो नॉट क्या अंतर है बच्चे ध्यान दो नॉट जो वर्ड है ना एक एडवर्ब है नॉट क्या है एडवर्ब तो इसको क्या चाहिए वर्ब अगर नो होता तो एडजेक्टिव होता तो नाउन के पहले भी आता लेकिन नॉट क्या है एडवर्ब है तो अगर ये एडवर्ब है ना तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा ना वर्ब चाहिए ना यानी दुनिया के किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज कर सकते हो दुनिया का कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तुम नॉट का यूज कर सकते हो दुनिया का कोई सेंटेंस हो आप नेगेटिव बना सकते हो शर्त यह है कि उसमें एक्सिलरी वर्ब होना चाहिए शर्त क्या है उसमें एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए यदि उसमें ए भी एक्सिलरी वर्ब एच भी हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग एक ही चीज है दोनों एक ही चीज है इज एम आर वाज वेयर डू डज ही हैज हैव हैड विल शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ये सब क्या है एक्सिलरी वर्ब है यदि एक्सिलरी वर्ब हो तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए आप नॉट का प्रयोग कर सकते हो जैसे हमने कहा ही इज नॉट गुड हमने बोला ही इज गुड बोलेंगे ही इज नॉट गुड यू आर ए स्टूडेंट यू आर नॉट अ स्टूडेंट यू आर गोइंग टू मार्केट यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट आई एम अ टीचर आई एम नॉट अ टीचर ठीक है राम गोज टू मार्केट राम डज नॉट गो टू मार्केट तो देख लो ही इज नॉट अ गुड ही इज गुड ही इज नॉट गुड अगर मैं बोल दूं ही इज नो गुड तो गलत हो जाएगा बोलना पड़ेगा ही इज नॉट गुड ही इज नॉट इंटेलिजेंट ही इज नो इंटेलिजेंट गलत हो जाएगा ही इज नॉट इंटेलिजेंट यू आर नॉट राम सी डज नॉट लाइक यू सी डज नॉट लाइक यू तो डज है ना तो नॉट होगा अगर मैं नो बोल दूं तो गलत हो जाएगा हमने कहा ही कैन नॉट डू इट हम बोलते ही कैन नो गलत हो जाएगा कैन नॉट नॉट बोलना पड़ेगा सी विल नॉट चीट यू अगर मैं यहां से नॉट हटा दूं और कर दूं नो तो गलत क्या हो गया गलत हो गया ही विल नो अगर बोल दूं ही विल नो चीट यू तो राइट होगा ब्लंडर करना क्या पड़ेगा ही विल नॉट चीट यू तो आप ध्यान दो हम लोग राम गोइंग टू मार्केट राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट राम इज गोइंग टू मार्केट राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट है ना आई विल नॉट हेल्प यू यू शुड गो देयर यू शुड नॉट गो देयर तो जहां पे एक्सिलरी वर्ब हो ना वहां पे आप नॉट लगा सकते हो बिकॉज नॉट एक एडवर्ब है अब और पढ़ाऊंगा लेकिन आप ऐसे मत रहो आप की तैयारी पूरी होनी चाहिए एग्जाम आ गया एसएससी का यूपीएससी का सीपीओ का बहुत सा एग्जाम देना आपको हम अपने वेबसाइट पे टेस्ट भी चला रहे हैं एक रुपया में एक टेस्ट 365 रुपया जमा करो 365 टेस्ट अपने आप को आजमाओ भी कितने पानी में हो टेस्ट दो 365 रुपया में 365 टेस्ट सिर्फ अंग्रेजी का नहीं पूरा टेस्ट दे दिया हूं ताकि आप अपने आप को आजमाते भी रहो देखते भी रहो और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास भी ले लो ताकि पूरा का पूरा क्लास आपको घर बैठे मिल जाए मोबाइल पर टेस्ट दो मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास लो अगर दिल्ली आना चाहते हो ना तो दिल्ली अब दूर नहीं है दिल्ली भी आप आ सकते हो और ऑफलाइन क्लास ले सकते हो आराम से बैठ करके मेरे सामने पढ़ सकते हो एक ट्यूशन की तरह एक गाइडेंस की तरह आप आराम से आपको मैं सिखाऊंगा अंग्रेजी अब दूर नहीं आ जाएगा चलिए वापिस आइए फिर से एक बार दिमाग यहां लगाइए और देखते हैं कि भाई जिस दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें एक्सिलरी वर्ब हो उसका नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस अकॉर्डिंग टू वॉइस जैसे हमने कहा यू आर बीटेन यू आर नॉट बीटेन मैंगो इज ईटन मैंगो इज नॉट ईटन तो जहां भी एक्सिलरी वर्ब होगा ना
वहां नॉट आएगा ही आएगा जब बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अगला यूज देखते हैं नॉट का। अब देखिए नॉट का अगला यूज, ये नेक्स्ट यूज क्या कहता है नॉट का, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़े नो नॉट में अंतर क्या, आखिर नो और नॉट में अंतर क्या है। तो हमने कहा नॉट का प्रयोग इन्फिनिटिव के पहले होता है। इन्फिनिटिव क्या है सर? इन्फिनिटिव का मतलब होता है बाबू टू प्लस वी वन, ये टू प्लस वी वन जहां भी आएगा, अगर तुम नॉट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। नो एक एडजेक्टिव था, नॉट एक एडवर्ब है, इसको भरू चाहिए। एक्स्ट्रा बोनस दे रहा हूं, इस बोनस को भी देख लो। जैसे हमने कहा सी आस्क्ड मी Not to go there, ये actually पता है क्या है, ये narration में की बात कर रहा हूँ मैं। तो narration में जब बनाते हैं imperative का negative तो ऐसे ही बनाते हैं ना, she asked me not to go there, याद आ रहा है ना। तो जैसे बोलते हैं she said to me, है ना, comma not comma go there, तो negative क्या बनते हैं, she asked me not to go there, याद आ रहा है। तो ये क्या होता है कि infinitive मतलब जब infinitive का negative इंपरेटिव का नेगेटिव बनाते हैं, जो आप नरेशन का अगर ज्ञान थोड़ा सा भी होगा ना तो पॉइंट में आप देख के मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि ये वहां बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। हमने बोला आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मी, है ना। तो नॉट टू यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने कहा इन्फिनिटिव में। तो इन्फिनिटिव क्या है भाई, टू गो, टू गो क्या है, टू फाइल, टू प्लस वन इन्फिनिटिव है, तो उसके पहले हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो नॉट टू एक शब्द की तरह आया है, और एक शब्द कहा इनडायरेक्ट स्पीच में, इन डायरेक्ट स्पीच में यहां पे हम नॉट टू पूरे सेंटेंस को नेगेटिव आने के कहते हैं जब आपका इंपरेटिव पॉजिटिव हो। यहां पे हमने इन्फिनिटिव लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि भाई टू प्लस वन इन्फिनिटिव है, तो इसको नेगेटिव आने के लिए नॉट का हमने प्रयोग किया। लेकिन सच्चाई ये है कि यह इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जब आप पढ़ोगे नरेशन समझ वहां पे बेहतर आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपको हमने सिखाया नो और नॉट में अंतर, फिर सुन लीजिए, नो एक एडजेक्टिव है, नॉट एक एडवर्ब है। नो का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, कोई नहीं के कोई नहीं बोलने के लिए, और नॉट का प्रयोग वर्ब से पहले करते जब उसमें वर्ब होना बहुत जरूरी है, इज एम आर डू डज हैज हैव हैड विल शैल शुड कैन कुड मे और मस्ट, इन सब शब्द होना जरूरी है तभी नॉट का प्रयोग होगा, चूंकि नॉट एक एडवर्ब है, और ऐसे इसका प्रयोग बहुत रेयर होता है और मेन रूप से यही होता है। आप इसके साथ और भी अगर चाहते हो और रिसर्च चाहते हो तो और बेहतर दूंगा, आप कमेंट कर मुझे बताओ, और कमेंट के साथ साथ आप जहां भी कहीं भी हो इस वीडियो को पूरे भारत में एक एक बच्चे को दो, ताकि हर बच्चा अंतर कर पाए कि नो और नॉट।